नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय जुड़ रहा हूँ जयगांव के NS रोड जयगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक से, और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूँ दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही ये स्ट्रीट लाइटों का मरम्मत किया गया था JDA प्रशासन द्वारा, लेकिन जो देखने में आ रही है दोस्तों कोई भी स्ट्रीट लाइटें इस समय जलती हुई नहीं नज़र आ रही है, और इसको लेकर सवाल उठने लगा है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि ये जो स्ट्रीट लाइटें कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही इसे मरम्मत किया गया था, आखिर ये जयगांव की स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं जल रही है। देखा जा रहा है दोस्तों, काफ़ी लोग इस तरह की सूचनाएं दे रहे हैं कि शाम को 6 बजे करीबन इसे जलाने का प्रबंध किया तो जाता है, लेकिन रात होते होते रात की बिजली की इसकी खुद गुल हो जाती है, रात का अंधकार में स्वयं ये स्ट्रीट लाइटें की जो रोशनी है खुद गायब हो जाता है, खुद अंधकार में चला जाता है। तो प्रशासन के पास में यही सवाल करना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर ये जो मरम्मत का कार्य हुआ है, ये जो लाइटें लगाई गई है, आखिर क्यों नहीं जल रही है, क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसमें तकलीफें हैं, क्या इसमें कठिनाइयां हैं जो कि प्रशासन इसको जलाने में नाकाम हो रही है। और साथ साथ में ये भी सवाल हम लोग रखना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं पूरी रात क्यों नहीं जलती दोस्तों, क्योंकि रात के अंधकार में आपको मालूम होगा कि जयगांव में जो काफ़ी सारे जो अपराध की घटनाएं जो धीरे धीरे बढ़ती हुई कोरोना काल में बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, ये रोकथाम के लिए उजाला होना जरूरी है, सड़कों पे रोशनी होना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित हो। आप देख सकते हैं इसी तरह से लोग इवनिंग वॉक पे निकलते हैं, और खैर जो यहाँ के बिल्डिंगें हैं उनके जो लाइटें हैं फ्लड लाइट जो लगाया हुआ है वो लाइटें जल रही हैं, इसलिए जयगांव की सड़कों में उजाला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, रात को 9 बजेगा 9:30 बजेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पूरा सड़क सुन सपाटा हो जाता है, और ये भी देखने को मिलता है। चलते हैं युवा वर्ग से बात करते हैं, और भाई लोग कहाँ इवनिंग वॉक में? और थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट टाइम दे दो। और देखा जा रहा है भाई लोग की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, क्या 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 लग रहा है, क्या समस्या है? बस ये अब हर महीना का ये है, हर साल इसी टाइप का होती है, जब कुछ दिन मतलब चलेगी लाइट ये सब, अच्छा 10-15 दिन दिखाने के लिए हो जाती है लाइट, उसके बाद कुछ दिन के बाद सब बंद हो जाती है, फिर से बंद हो जाता है। लगता है इलेक्शन आए शायद इसलिए जला दिया गया, इलेक्शन आने से फिर से जलेगा। अच्छा कुछ दिन पहले तो जल रहा था, जल तो रहा था, अब JDA से आया हुआ था परमिशन, तो यहाँ कुछ दिन दिखाना था बोल के जला दिए सब। अच्छा बात, और पूरा रात भी नहीं जल रहा था ऐसा सुनने में आ रहा था, मतलब कोई 12-1 बजे के बाद हम लोग बाहर निकलते नहीं है, उसके बाद जला, लोग कह रहे थे कि 9-10 बजे के बाद ये लाइटें नहीं जल रही है, क्या उस टाइम मतलब जल रही थी 12-1 बजे स्टार्टिंग में चल रही है, धीरे धीरे टाइम कमती होती गया, अब जीरो हो गया, अभी जीरो। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम है रुद्र प्रसाद। और आपका? अभिषेक। अच्छा चलो, इवनिंग वॉक पे लगे रहो, हेल्थ इज वेल्थ। और इसी तरह से दोस्तों लोग इवनिंग वॉक पे निकलते हैं, युवा से लेके बुजुर्ग तक, और काफ़ी बार इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आती है कि अंधकार के वजह से जो लोग मोबाइल लेके या कुछ अन्य गैजेट्स लेके जो सड़कों पे निकलते हैं तो उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है, इस तरह की घटनाएं काफ़ी बार प्रकाश में आई है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन काफ़ी चौकन्ना है और काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, और किसी भी तरह की अपराध को बख्शा नहीं जा रहा है चाहे कोई भी हो, और इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ में हमारा जो यहाँ के जयगांव का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास एक बार फिर से सवाल हम लोग रखना चाहेंगे कि आखिर ये जो स्ट्रीट लाइटें कुछ दिन पहले ही इसे रिपेयर किया गया था, जो जयगांव वासियों के लिए ये तोहफा दिया गया था, वो फिर से
फिर से क्यों अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे सुन सपाटा सड़कों पे होता जाएगा और वैसे वैसे लोगों में भय का माहौल बढ़ता जाता है दोस्तों। तो प्रशासन को ये देखने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द उचित पहल करना पड़ेगा ताकि ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो फिर से सुचारू रूप से जलाया जा सके, और जो जनता है, जो निवासी है, जो आम जनता है, जयगांव वासी है, उनके जो मन में ये एहसास ना हो कि केवल ये दिखावे के लिए, केवल ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इस लाइटों को मरम्मत किया गया है। इसे प्रशासन को कार्य करके और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि प्रशासन की जो भूमिका है वो प्रशासन प्रतिबद्ध है और जयगांव की सड़कों को फिर से रोशनी में नहाने के लायक फिर से बनाना पड़ेगा। हालांकि दृश्य काफ़ी सारा दिखाना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मैं इस समय अलविदा लेना चाहूँगा इसी बात के साथ कि ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं फिर से जले, प्रशासन जागरूक हो, जनता जागरूक हो, और जो जयगांव का जो माहौल है उसको भय मुक्त बनाया जाए और जयगांव की सड़कें फिर से रोशनी में खिलखिला उठे। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आप सभी के समक्ष जुड़ता रहूँगा। जयगांव मिरर्स का ये पहल कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.